हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल फ्रेंड। आज ये फोर्थ सेशन है। फोर्थ सेशन में मैं यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा कैसे हम सिंपल सा प्रोग्राम बना लेते हैं, और कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा, जैसे कि हैज़ हम यूज़ करते हैं नॉर्मली, तो उस हैज़ को हम किस नाम से जानते हैं उनके बारे में डिस्कस करूँगा, और हम मेन यूज़ करते हैं तो मेन का यूज़ क्या होता है उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा। देखो कुछ चीज़ें आप यहाँ जानो, जैसे ये यूज़ करते हैं ना हैज़, ये वाला सिंबल मैं दिखाता हूँ। जब इसको यूज़ करोगे यहाँ पर, इसको बोलते हैं लोग क्या, प्री प्रोसेसर। ठीक है, ये प्रोग्राम को लोड करके इस हैज़ सिंबल को हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। और यहाँ पे एक और चीज़ हम लिखते हैं इंक्लूड डॉट स्टूडियो। ये स्टूडियो क्या है, क्या लगना, स्टूडियो डॉट एच, एच मतलब हो जाता है हीडर। और इस चीज़ को ना यहाँ पर ये जो हमने डॉट लगाया, डॉट यहाँ यूज़ नहीं होता है, ये यूज़ होता है, ये अंदर क्लोज रहेगा। और इसको भी हम यहाँ पे क्लोज कर लेंगे, एच फॉर हीडर और स्टूडियो के अंदर होता है। इंटर करो, इसके बाद यहाँ लिखो मेन, मेन ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट। जो मेन होता है, मेन का अर्थ क्या होता है समझ लो, प्रोग्राम का जो एक्सक्यूशन होता है वो मेन से ही शुरू होता है। यानी सी प्रोग्राम की खास विशेषता है कि जो भी प्रोग्राम शुरू होगा वो मेन के बाद से शुरू होता है। और इसके बाद इसके नीचे होता है जो मिडिल कोस्ट होता है ना, मिडिल ब्रैकेट, और मिडिल ब्रैकेट के अंदर ही हम प्रोग्राम को लिखते हैं और ओपन एंड क्लोज कर लेंगे, इसके अंदर हम प्रोग्राम लिखते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक और चीज़, यहाँ पर लिखेंगे प्रिंटर। प्रिंटर का अर्थ क्या होता है वो समझो, प्रिंटर से ही हम किसी भी प्रोग्राम को आउटपुट करते हैं, मतलब डिस्प्ले करने के लिए एक कमांड का नाम है प्रिंटर। ठीक है, किसी भी रिजल्ट को दिखाने के लिए हम प्रिंटर कमांड का यूज़ करते हैं। हम यहाँ लिखेंगे हेलो, क्विक लिखते हैं हेलो सोशल फ्रेंड, और ये जो डबल कोट में जो अंदर वाला जो वर्ड लिखेंगे डबल कोट में, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इसके बाद यहाँ पे होता है सेमी कॉलन। सेमी कॉलन ये बताता है कि एक स्टेटमेंट क्लोज हो गया, यानी एक स्टेटमेंट पूरा हो गया, आप सेमी कॉलन का इस्तेमाल कर लीजिए। और यहाँ पे कोई चीज़ हम यूज़ करेंगे गेट सी एच। ये गेट सी एच क्या है वो समझो, गेट सी एच का होता है का मतलब होता है गेट अ कैरेक्टर। यानी जब हम इसको रन कराएंगे तो ऑटोमेटिक डिस्प्ले तुरंत आउटपुट आएगा और तुरंत हाइड हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम गेट सी एच का इस्तेमाल कर लेंगे, तो कुछ टाइम तक स्क्रीन पे वो आउटपुट होल्ड होकर के रहेगा जब तक कि हम कोई अदर की प्रेस नहीं करेंगे। अब देखो ये बन चुका, हम कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करेंगे, ठीक है, और प्रोग्राम रन कर जाएगा। यहाँ दिख रहा है आपको हेलो फ्रेंड्स, सोशल फ्रेंड, ये काफ़ी वर्ड दिख रहा है। मैं ESC बटन से बैक करता हूँ। देखो यहाँ पहले भी मैंने कुछ रन करा किया था, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक कमांड यूज़ करूँगा CLR SCR, इसको कहते हैं हम लोग क्लियर स्क्रीन, ओपन एंड क्लोज और सेमी कॉलन का इस्तेमाल। कंट्रोल F9 करेंगे हम, अब आपको दिख जाए यहाँ पर क्यों लिखा होगा हेलो सोशल फ्रेंड। ठीक है ना, इस तरीके से हम आउटपुट को जनरेट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने कैसे इसको यूज़ किया। CLR का मतलब हो जाता है CLR SCR, क्लियर स्क्रीन, और गेट CH का अर्थ होता है गेट अ कैरेक्टर। प्रिंटअप का अर्थ होता है कि डिस्प्ले करने के लिए ये कमांड है, ओके। और मेन से ही किसी प्रोग्राम को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा प्रोग्राम था, आगे हम और भी डिस्कस करेंगे, प्रोग्राम को लेकर आएंगे, इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, फिबोनाची सीरीज कैसे यूज़ किया जाता है, ओड इवन, ठीक है, ये सब चीज़ें हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके बताइए, और कमेंट कर सकते हैं आप अगर आपके पास कोई क्यूरी है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।